आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज शाम 4 बजे नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। वे इसमें देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ और जानकारियां देंगी। देश में कोरोना वायरस की वजह से मुसीबतों का सामना कर रहे आम लोगों के लिए वे संवाददाता सम्मेलन में कुछ और राहत की घोषणा कर सकती हैं। वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के लिए 20 लाख करोड़ के महापैकेज से लोगों के आत्मविश्वास में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और ये पैकेज आने वाले समय में देश को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से 27,920 रोगी ठीक हुए हैं और उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 34.06% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,685 रोगी ठीक हुए हैं और 3,967 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 81,970 हो गई है। अब तक इस महामारी से 2,649 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,426 हो गई है, जबकि इसका संक्रमण 43 जिलों तक पहुंच गया है। कोविड 19 से अब तक 237 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि सुखद खबर ये है कि करीब आधे संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर में 61 नए मरीज मिलने से जिले में कोविड 19 वायरस से प्रभावितों की संख्या 2,299 तक पहुंच गई है। जिले में फिलहाल 1,103 मरीजों का उपचार जारी है। राजधानी भोपाल में 27 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 911 हो गई है, जबकि 18 लोगों को स्वस्थ होने के बाद कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रायसेन जिले के चिकलौत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली है, उन्हें भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली करवाकर सैनिटाइज किया गया है। दतिया के अनुभाग सेवड़ा के ग्राम सिरसा निवासी एक महिला सहित 3 को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। खंडवा में फिर से कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। यहां पर अब कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 96 हो गई है। सागर में लगातार बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से प्रशासन अब सख्त हो गया है। 17 मई रात 12 बजे तक नगर निगम क्षेत्र, केंट क्षेत्र और मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण तरह से लॉकडाउन रहेगा। पन्ना में एकमात्र कोविड 19 मरीज की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इससे पहले उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। फिलहाल इस मरीज का उपचार चल रहा है। इंदौर के डॉक्टर्स के सतत प्रयास से जिले के कोरोना संक्रमित लगभग आधे मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं देवास में पिछले एक हफ्ते से रोजाना ही आने वाली सैंपल रिपोर्ट में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन जिले के लिए आज राहत भरी खबर है। 70 मरीजों के भेजे सैंपल में एक भी मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई अधूरी रह गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा अध्ययन योजना शुरू की गई, लेकिन कई गांवों में नेटवर्क और बिजली की कमी की वजह से पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में मुरैना में एक अनूठी पहल की गई है, जिससे इस समस्या का हल निकल गया है। पेश है एक रिपोर्ट। भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बड़े शहरों के विद्यालयों व कोचिंग की ऑनलाइन पढ़ाई अब चंबल के बिहड़ी गांवों में विद्यार्थी करने लगे हैं। खेड़ा हुसैनपुर शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने इसे चुनौती मानते हुए अध्ययनरत 121 विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। परिजनों को जागरूक करते हुए मोबाइलधारियों को सूचीबद्ध किया, जिनकी संख्या सिर्फ 46 हुई। इन मोबाइलधारियों से अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़कर शिक्षा अध्ययन आरंभ करा दिया गया। मेरा नाम सतीश कुमार कांपुरिया है, भरण जन शिक्षा केंद्र में जन शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। शासन ये चाहता था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, ऐसी स्थिति में हमने जो है अपने जो ऊर्जावान शिक्षक थे उन शिक्षकों से संपर्क साधा और ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई को जारी रख सके हमने ये योजना बनाई। ई लर्निंग सिस्टम है, भरण में जो ग्रुप संचालित किए और उनसे सभी शिक्षकों को कक्षा शिक्षकों के माध्यम से जोड़ करके बच्चों को जोड़ा और पालकों से बात की। शिवानी माध्यम खेड़ा सैनपुर, घर पर मोबाइल की सहायता से ऑनलाइन पर कर रहे हैं।
इनकी सतत निगरानी शिक्षकों द्वारा की जा रही है। शिक्षकों का यह कार्य जिले के अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा बन रहा है। मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लॉकडाउन की वजह से हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे 1991 प्रवासी मजदूरों को लेकर आज सुबह विशेष श्रमिक ट्रेन छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, साथ ही उन्हें फूड पैकेट भी दिए गए। इसके बाद सभी को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की कार्रवाई की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में कारोबारी कमल एंटरप्राइजेस पर खाद्य विभाग का छापा पड़ा, नॉन ब्रांडेड तेल को लेकर कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ में आज टोटल लॉकडाउन के चलते सभी बाजार बंद रहे। सुबह 7 से 9 बजे तक दूध और सब्जी वितरण के लिए छूट दी गई थी। जबलपुर कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों ने एक बच्ची का जन्मदिन मनाया। बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़कर रेड क्रॉस सोसायटी को 960 रूपये दिए। इटारसी में सख्त लॉकडाउन अवधि में भी शहर और आसपास के गांव में कच्ची शराब बेची जा रही है। आबकारी अमले ने यहां से 1000 किलो महुआ लाहन के साथ 48 लीटर कच्ची शराब बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।